अली 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 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الصقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ناظرين الكرام سامعين محترم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं ईद गदीर की मुनासिबत से इमाम ज़मान अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात की खिदमत में हदे तबरीक अर्ज करता हूँ। नाज़रीन, ईद गदीर सिर्फ गदीर नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे पैगामात छुपे हुए हैं। आयत के ज़ैल में देखा जाए तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को हुक्म दिया, सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि अगर हुक्म की तामील ना हो तो उसका नतीजा भी बयान किया। पहले हुक्म दिया कि जो पैगाम पहुंचाने का हुक्म है पहुंचा दीजिए, जो तुम पर नाजिल किया गया है, तुम पर भेजा गया है, उसको पहुंचा दीजिए। अगर नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा पैगाम था कि जिसको परवरदिगार आलम ने इतनी ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, हुक्म दिया? तो बाद में मालूम हुआ कि रसूल इस्लाम ने एहतमाम किया पैगाम को पहुंचाने के लिए, और हाजियों का जो हुजूम था, जो अपने अपने वतन जा रहा था, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद खजाओं का मिंबर तैयार किया गया। तपती हुई धूप में अब ये ऐलान किया, हुक्म दिया। कौन सा हुक्म दिया? कहा अपने हाथों पर बुलंद करके मौला मुत्तकियान के हाथों को, कहा मैं जिसका मौला हूं ये अली उसके मौला है। तो कहा ये पैगाम कि जिस जिसके मौला रसूल इस्लाम हैं उन उनके मौला मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो सामईन, मालूम यह हुआ कि गदीर के मौके पर हम ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये रहबरियत के मुकम्मल होने का दिन, वसीए रसूल और जानशीन रसूल और खलीफे रसूल के ऐलान का दिन है। और ये जाहिरी तौर पर हमें सिर्फ एक पैगाम नजर आता है, लेकिन दर हकीकत इसमें बहुत सारे पैगाम छुपे हुए हैं। खुद आयत के ऊपर रोशनी डालने से मालूम हो रहा है कि हुक्म इलाही है कि अपने जानशीन का ऐलान करें, और जो रसूल वही इलाही के बिना कुछ नहीं बोलता, वो रसूल अपने हाथों पर बुलंद करके मौला मुत्तकियान को बताकर कह रहा है कि मैं जिसका मौला हूं अली उसकी मौला है। तो मालूम हुआ कि जिस तरीके से एक नबी का इंतखाब, एक रसूल का इंतखाब, एक पैगंबर का इंतखाब परवरदिगार आलम करता है, उसी तरीके से पैगंबर के वसी और जानशीन और खलीफा का इंतखाब भी परवरदिगार आलम के जिम्मे है। यानी वसी रसूल, खलीफा रसूल को आम इंसान नहीं चुनते, लोगों का हुजूम नहीं चुनता, कमेटियां नहीं चुनती, इदारे नहीं चुनते, लोगों का हुजूम नहीं चुनता, कुरानदाजी नहीं होती, इलेक्शन नहीं होता, बल्कि मंसूब मिन अल्लाह होता है खलीफा रसूल। और परवरदिगार आलम की जानिब से यह हुक्म हुआ, रसूल इस्लाम को मौला मुत्तकियान को मौला बनाया गया। पहला पैगाम यानी खलीफा रसूल मंसूब मिन अल्लाह होता है। तो पैगामात गदीर के उनवान से पहला और दूसरा आपकी खिदमत में मैं बयान करूं कि ईद गदीर ईदुल्लाह अकबर है,
इस्लाम के बड़े ईदों में से एक ईद है, इसकी बे इंतहा फजीलत है, बहुत ही एहतमाम के साथ इसको मनाया जाता है। तो नाजरीन इकराम, पहला पैगाम खलीफा रसूल मंसूब मिन अल्लाह होता है, दूसरा ये कि परवरदिगार आलम ने दीन इस्लाम के सियासी निजाम को बताया है विलायत अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के जरिए से, ऐलान विलायत के जरिए से कि देखो मेरे तमाम उमूर ये चलाएंगे, जिस तरीके से रसूल इस्लाम ने चलाया अपनी जिंदगी में, उसी तरीके से उसी निजाम को सिलसिला वार आगे बढ़ाएंगे मौला मुत्तकियान। जो कुफ्फार और मुशरिकीन ये सोच में पड़े हुए थे कि रसूल इस्लाम के खत्म होने के बाद यानी वफात पा जाने के बाद दीन का खात्मा हो जाएगा, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, लेकिन परवरदिगार आलम ने इस सिलसिले को जारी रखने के लिए, दीन के सिलसिले को जारी रखने के लिए मौला मुत्तकियान का इंतखाब किया। अब दुश्मनों के पशिमानी का दिन है ईद गदीर, तो दीन के सियासी निजाम का सिलसिला है ईद गदीर का पैगाम। दुनिया के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं उनकी तारीख को पढ़िए, उनके तर्ज हुकूमत को पढ़िए और मौला मुत्तकियान की तर्ज हुकूमत को पढ़िए, देखिए कि परवरदिगार आलम जैसा चाहता है वैसी हुकूमत मौला मुत्तकियान ने की है, और जो दूसरे हुक्मरान हैं उनकी हुकूमतें बातिल हैं, उनकी हुकूमतों का नामोनिशान भी बाकी नहीं रहा, बल्कि इलाही निजाम के जरिए से हुकूमत होनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, तीसरा पैगाम जो गदीर के हवाले से है वो ये है कि विलायत जो बताया जाता है आयत में जिस तरीके से वारिद हुआ है, एक माल दीन का महवर है। ये नेमतें तमाम हुई, कौन सी नेमतें तमाम हुई, कौन से नेमत की तरफ इशारा किया गया है, रहबरियत का यानी रहबर का इंतखाब, ये बहुत बड़ी नेमत है परवरदिगार आलम की जानिब से जो गदीर के मौके पर मुकम्मल हुई। मौला मुत्तकियान जैसा रहबर हमें परवरदिगार आलम ने अता किया और इस नेमत के जरिए से अपनी नेमतें मुकम्मल फरमा दी। और मुख्तसर करते हुए ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बल्कि आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत, बहुत सारे पैगाम हैं लेकिन सबको गिनाने का वक्त नहीं है, जो चौथा आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, गदीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम देती है। मौला मुत्तकियान की विलायत का ऐलान करने के बाद रसूल इस्लाम ने उनके हाथों पर बैयत करवाया, अगर उस बैयत पर कायम होते बरकरार रहते तो कभी उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफ नहीं होता, बिखरे हुए नजर नहीं आते। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा समझ जाए और जान जाए कि रसूल इस्लाम ने जो हुक्म दिया था वो बरहक है और परवरदिगार आलम की जानिब से था और उनका जानशीन और वसी और खलीफा मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और ईद गदीर को पहचान कर आ जाएंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएंगे। ये रास्ता हिदायत का रास्ता है, हर रोज जिसकी दुआ मांगते हैं परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख या सीधा रास्ता दिखा, वही सीधा रास्ता ये दर हकीकत गदीर के मौके पर हमें मिल जाता है। तो मैं तमाम उम्मत मुसलमान की खिदमत में इस ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करते हुए तकाजा करता हूं कि इस पर गौर व फिक्र करें, पढ़ें, जानें, पहचान कर इस राह रास्त पर आए और गदीर को पहचान कर गदीरी बन जाए तो यकीनन तमाम के तमाम इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और आपस में इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आइए इस मौके पर परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बार इलाहा परवरदिगारा हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिदायत फरमा और हम सब की परेशानियों को दूर फरमा और इमाम जमाना के जुहर में ताजिल फरमा और उनके अमान व इंसार में हम सबको शामिल फरमा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।